हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी जानने के लिए बेताब हैं कि जब आपको इंग्लिश लिखनी आती है, पढ़नी आती है, समझनी आती है, तो ऐसा क्या वो कारण है कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाते? फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि आज अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आई होप कि आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी आज से स्टार्ट कर पाएंगे। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट कॉन्फिडेंस। नाम तो सुना ही होगा, और आज का पूरा वीडियो मैं हिंदी में ही बनाने वाली हूँ, जिससे कि कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस वो सभी लोग समझ पाए जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि आधी जंग तो आत्मविश्वास से ही जीत ली जाती है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि कॉन्फिडेंस का कनेक्शन इंग्लिश स्पीकिंग से कैसे है, तो वो मैं बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक मैं जितने लोगों से भी कन्वर्सेशन करती रही हूँ, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया कि इंग्लिश ना बोल पाने का कारण केवल ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, बल्कि आत्मविश्वास की कमी होने के कारण भी बहुत से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उन्हें इंग्लिश लिखनी आती है, समझनी आती है, पर उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, और इस कारण वो अपने आप को बस अपने माइंड में निगेटिविटी ही फील कर रखी है। उन्होंने अपने माइंड को ऐसा सेट कर रखा है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, जैसे ही मैं इंग्लिश बोलने चलता हूँ वर्ड्स मेरे अंदर से नहीं निकलते हैं, हेजिटेशन फील होती है, गलती करने का डर बना रहता है, नर्वसनेस रहती है, और इस कारण उनका कॉन्फिडेंस हमेशा जीरो बना रहता है, जिसके कारण वो कभी भी इंग्लिश बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, और कॉन्फिडेंस ना होने के कारण वो अपने आप को हमेशा डिमोटिवेट फील करते रहते हैं और बस एक ही बात बोलते हैं कि मैं इंग्लिश कभी नहीं बोल सकता या बोल सकती। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे करें। कॉन्फिडेंस कोई जन्म से लेकर पैदा नहीं होता, और ना ही ये कोई दवाई है जो हम आपको देंगे, आपने खाई और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारी थिंकिंग से। हम जैसे अपने माइंड को थॉट प्रोसेस देते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करने लगती है। मान लीजिए आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट हैं। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको किसी क्षेत्र में नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना माइंड मेकअप भी करना होता है कि यस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू इट। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक पिक्चर के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि कैसे आप अपने कॉन्फिडेंट लेवल को ग्रो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस पिक्चर के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो करते हैं, और हेजिटेशन, नर्वसनेस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक और साइनेस को कैसे हम सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सभी एक ही धरती के जीव हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, या कोई स्पीच डिलीवर करता है, और बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं जो बहुत अच्छी स्पीच डिलीवर करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कमरे के सामने बात कर रही हूँ, तो आपको क्या लगता है कि मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर कोई डर, हेजिटेशन, नर्वसनेस नाम की चीज़ नहीं है? सब होती है, सबके अंदर होती है। लेकिन होता क्या है, ये दोनों चीज़ें हम सबके अंदर होती हैं। अब बात यह है कि हम जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं वो चीज ग्रो होने लगती है। और क्या होता है, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो हेजिटेशन, नर्वसनेस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और साइनेस ये अपना एरिया ज्यादा मात्रा में कवर कर लेती है। हर इंसान के अंदर हेजिटेशन, नर्वसनेस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, साइनेस और कॉन्फिडेंस दोनों ही चीजें बराबर मात्रा में होती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम अपना दिमाग जिधर की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, वही चीज ग्रो करने लगती है,
और बाकी की चीजें जो होती हैं वो दब जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। इसी प्रकार अगर आप अपना पूरा ध्यान हेजिटेशन, नर्वसनेस, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक और साइनेस पर रखते हैं तो ये चीजें आपकी ग्रो करने लगती हैं और कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो जाता है। तो अगली बार से जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें या कोई और भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो आप केवल कॉन्फिडेंस पर फोकस करें। आपको बार बार अपने माइंड को ये पॉजिटिविटी देनी है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे इन चीजों के बारे में नहीं सोचना। हालांकि ये आप अपने दिल से निकाल नहीं सकते हैं, आपके अंदर ये सब चीजें मौजूद होंगी, लेकिन आपको इन पे फोकस ही नहीं करना है। आपको फोकस करना है केवल कॉन्फिडेंस पर। आई मेक यू श्योर फ्रेंड्स कि अगर आप अपना पूरा फोकस कॉन्फिडेंस पे रखते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो दब जाएंगी और फिर आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। अब अगर आप भी एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप रोज मिरर के सामने अपने आप को एक एफर्मेशन दें कि आई एम अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम अ पावरफुल पर्सन, आई कैन डू एनीथिंग and I am a fully confident person. No matter I am making mistakes, I will not make mistakes again. कोई बात नहीं, अगर मैं आज गलती कर रहा हूँ, मैं अगले दिन से गलती नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस टाइप के सारे थॉट्स आप अपने माइंड में बार बार क्रिएट करते हैं तो आपका माइंड डेफिनेटली कॉन्फिडेंट फील करेगा और आप कॉन्फिडेंट महसूस कर पाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे किसी के भी सामने। और दूसरी बात, अगर एक बार आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस स्टेबल हो गया तो इंग्लिश बोलना तो बहुत छोटी सी बात है, आप अपने लाइफ का कोई भी गोल आसानी से अचीव कर लेंगे। आई होप कि आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अगर आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी कॉन्फिडेंट फील कर सके और इंग्लिश बोलने के लिए उन्हें हेजिटेशन फील ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।